यहाँ पर आप किसी भी चीज के ऑर्डर मिले हैं कि आपने जो जो चीजें नहीं लेके जानी उसमें ये भी है भाई, जो बोलते हैं ना, तो आज एक दिन भी आए आप में भाई है ना, मैं भाई हूँ तुम्हारा, क्योंकि आज एक बात बताए, मैं आपको कितनी दफा से जानता हूँ, कितनी देर से जानता हूँ, और आप भाइयों वाली बात है ना, सबसे जानता हूँ, वो सारी बात मुझे ये बताएं, हमें इस चीज के ऑर्डर मिले हुए, हमेशा लोगों के साथ टॉर्चर किया, मैं शुरू से जानता हूँ कि तुमने हमेशा दोनों भैया की, आप मेरे मैं शुरू से जानता हूँ कि तुमने एस्टैब्लिशमेंट के गंदे कपड़े हमेशा धोए हैं, मैं शुरू से जानता हूँ कि तुमने कठपुतलियों की तरह काम किया, मैं तुम लोगों की औकात और तुम लोग जो करते हो जानता हूँ, आज तुम लोगों ने हमें मारा है, ठीक है, याद मुमकिन है कि तुम्हारे पे तुम लोगों ने आज मारा, कभी मुमकिन है, आप ऐसे करें टिकट ले जाए, हम जो चेक करते हैं जो चीज हमें चाहिए वो आप हमें छोड़ दें, बाकी आप जाए जैसे अंदर अलाउड नहीं है, कोई सबको चेक करके कोई ऐसी चीज जा रही जो जिनसे उन्होंने सिगरेट कोई चीज जाएंगे, सारी एलिमेंट है, प्लीज एक बात याद रखना, मैं तुमसे यहाँ गरीब दुनिया में कह रहा हूँ, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इससे काम नहीं, ये वर्ड है मेरे लिए, एक बात याद रखना, छोड़ सारी, ये जो इस वक्त ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे तू रियासत के साथ नहीं खड़ा, तू पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो भाई, तू उनके साथ खड़ा हो गया जिन्होंने तुझे मजबूर किया, हम आज वापस चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन तुझे शीशे के अंदर जब अपनी शक्ल देखेगा ना, ये बात याद आएगी कि तू पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ, और ये जो टिकट मेरे पास है ये कोई जी इमरान भाई, आप इमरान साहब आप बात कंटिन्यू करें सर, ये मेरे पास सादा टिकट है, ये देखें जी हमारे पास सादा टिकट है, ये देखें, और ये 2500 रुपए वाला टिकट है, ये VIP भी नहीं है, तो हम बैच देखने के लिए आए थे, हमारे कुछ दोस्तों ने सॉलिडेरिटी शो करने के लिए अरशद भाई के मास्क भी बनवा लिया, इससे पहले हमने स्टेडियम में बहुत सारी चीजें ऐसी होती देखी है, बेशुमार दफा देखी है, हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की, नवाज शरीफ की, बहुत सारी स्टेडियम के अंदर अक्सर देखी, तो हमने ये सोचा कि शहीद है अरशद शरीफ, और इसके लिए हमने नौजवान सॉलिडेरिटी के लिए आए, तो अच्छी बात, हम जब मैच देख रहे बुलवाया और उन्होंने बुलवाकर कहा कि अब हम आपको VIP रस्ते से लेकर जाना चाहते हैं, हमने नॉर्मल रस्ते से जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी SP साहब आ रहे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं, उसके बाद उनका SP आया, पुलिस आई, उन्होंने हमें मना किया कि आप अंदर नहीं जा सकते, और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ जो लड़के हैं उन पर टॉर्चर किया, ये हुआ है।